जिनमें से हमने टी को साकित करना है। ए टी इक्वल्स टू एक्स टी। अब ये ए इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा टी इक्वल्स टू एक्स ओवर ए। अब यहां पर टी की कीमत आ गई 2 ए टी इक्वल्स टू वाई। अब हमने इस दूसरी सवाल में से टी की कीमत निकालनी है टी इक्वल्स टू वाई ओवर 2 ए। ये 2 ए जो टी के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इक्वेशन के दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। अब इधर भी टी की कीमत निकल आई और इधर भी टी की कीमत निकल आई। अब हमने इसका इन दोनों मसवातों को मुआवजे के जरिए से यहां से टी को साकित करना है। एक्स ओवर ए इक्वल्स टू वाई ओवर 2 ए। एक्स 2 ए के साथ मल्टीप्लाई होगा और वाई ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी यहां पे जरबे चिलीपाई का तरीका इस्तेमाल करेंगे। एक्स मल्टीप्लाई 2 ए इज इक्वल टू y मल्टीप्लाई a 2 a x इज इक्वल टू a y। और ये यहाँ पर चूंकि t नहीं है और लिहाजा t साकित हो गया, लिहाजा जो एक जैसी चीजें होती हैं वो कैंसिल हो जाती हैं और a इस a से कैंसिल हो जाएगा 2 x इक्वल टू y इज आंसर।